तुतुवाई डैम के पास जंगल की झाड़ी से हत्या किया हुआ मिला व्यक्ति का शव। भगवानपुर थाना क्षेत्र के तुतुवाई डैम के पास जंगल की झाड़ी से हत्या किया हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के उरगांव निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र यादव के 30 वर्षीय पुत्र बबलू यादव बताया गया। वहीं मृतक के भाई राकेश यादव ने बताया कि रविवार की शाम लगभग 7 बजे बबलू यादव व उसके दोस्त सोनू पटेल के साथ घूमने के लिए निकले थे। वहीं देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसके सुबह होते ही सोमवार के दिन काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं दोनों का पता नहीं चल पाया। वहीं आज तुतुवाई डैम के पास जंगल की झाड़ी से बबलू यादव का शव बरामद किया गया है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से बाइक, चाकू व ब्लूटूथ बरामद किया। उसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं मृतक के भाई राकेश कुमार ने कहा कि मेरे भाई बबलू का हत्या किया गया है, लेकिन इसके साथ में गए सोनू पटेल का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस द्वारा खोजबीन जारी है, जो उरगांव गांव के ही राधेश्याम पटेल का 22 वर्षीय पुत्र सोनू पटेल बताया गया है, जहां दोनों ने रविवार की शाम बाइक से घर से निकले थे, लेकिन भगवानपुर पुलिस द्वारा अभी भी सोनू पटेल की खोजबीन जारी है। हुए हैं आप? आए हुए हैं भगवान। क्या करना है? पोस्टमार्टम करवाना है। किसका? भाई का। क्या हुआ है भाई का आपका? उसका कत्ल कर गया। कैसे हुआ है? कोई मार दिया तुतुवाई डैम में? ये कब से निकले थे? रविवार को 6:30 बजे। अच्छा, घर से निकले थे? हाँ। अच्छा, तो आप लोग ढूंढने का प्रयास नहीं किए? एक आदमी बताया, तब सोमवार को ढूंढे। अच्छा, तो डैम में ढूंढना चालू किए? हाँ। तो शव कहिया मिला है? शव आज मिला। आज मिला है। क्या नाम था उनका? बबलू यादव। उनके पिताजी का नाम? सुरेंद्र सिंह यादव। घर? उरगांव। आपके बानी इनकर? भाई। क्या नाम आपके? राकेश। घर आपके कहाँ बा? उरगांव। थाना? भगवानपुर। सर, कितना शव बरामद हुआ है, क्या मामला है? सर, 16 तारीख को रात में बबलू यादव सोनू कुमार जो है ना, पूरे साथ निकला था। 17 तारीख को नहीं आया, तो उनके परिजन द्वारा बताया कि मतलब यहाँ ब्लड है लाई डैम के पास। इस संबंध में इन लोग आवेदन दिए, तो उस पर हम केस किए। ये हो सकता है अपहरण का मामला हो, अपहरण करके कहा गया। ठीक, तो जिसमें एक शव बरामद हुआ है और सोनू कुमार का शव बचा हुआ है। अच्छा, उसका भी खोज जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। से कैसे हत्या है या फिर क्या लगता है इसमें? प्रथम दृष्टि लगता है कि चाकू से गोद कर हत्या कर दिया है। अच्छा, कहाँ से शव बरामद हुई सर? ये तो लाही डैम के पहाड़ के पास। अच्छा, क्या क्या बरामद हुई घटनास्थल से सर? घटनास्थल से चप्पल बरामद हुआ है, एक चाकू बरामद हुआ है, गमछा बरामद हुआ है, और एक मोटरसाइकिल था TVS, वो है। अच्छा, और एक की खोज जारी है सर? और एक की खोज जारी है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है? पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ठीक। कैमो न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।